हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय न्यू चैनल एनहांस योर डिफरेंट स्किल। आज मैं आप लोगों के लिए अरबी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। इस अरबी को बिहार में पिक्ची के नाम से जानते हैं। ये डिफरेंट स्टाइल से थोड़ा बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही इजी है और खाने में तो माइंड ब्लोइंग है, बहुत डिलीशियस लगेंगे। आपके घर में बड़े क्या बच्चे भी कहेंगे, मम्मा वाह वाह आपने कैसे बनाया। इसके लिए मुझे ये लगभग आधा केजी अरबी मैंने लिया है। ये घर की फ्रेश दही है, ये थोड़ा सा मैं हींग यूज करूंगी, ये बेसन है, ये धनिया पाउडर, ये सरसों है और ये दो टमाटर मैंने लिया है, थोड़ा सा नींबू लिया है और ये लहसुन और ये आपका हो गया, ये मैंने कुछ मेथी के सीड्स लिए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट टू प्रिपेयर इट। सबसे पहले मैं इस पिक्ची को थोड़ा सा बॉइल करूंगी, इतना बॉइल करूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इस पिक्ची में नींबू का रस निचोड़ ले, जिससे कि थोड़ा सा ये जो चिपचिपाहट स्टिकी होता है ना, वो आपका बिल्कुल चला जाएगा और इसका टेक्सचर भी बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लगेगा। जब तक वो बॉइल हो रहा है, मैं मसाला को पीस ले रही हूँ मिक्सी में। देखिए, मैंने ये मसाले को रेडी कर लिया है। ये आपका लहसुन और सरसों का पेस्ट है और ये आपका टमाटर है जो मैंने दरदरा ही पीसा है। बॉइल करते समय थोड़ा सा नमक भी मिक्स कर दे और इसको अच्छे से 10-15 मिनट के लिए बॉइल करें। अब ये लगभग 15 मिनट हो गए हैं और इसको चेक कर रहे हैं ये सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। ओके, इसको ठंडे पानी में लेकर मैंने चेक किया, ये अब देखिए सॉफ्ट हो गया। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। इसको अब ठंडे पानी से अच्छे से धो लेना है। अब इसमें बेसन डाल दें, ये चला गया आपका दही लगभग 2 चम्मच के करीब, ये मिर्ची पाउडर है इतना आपको चाहिए, ये हल्दी पाउडर और नमक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा ये जो सरसों और लहसुन का पेस्ट है उसको भी डाल देंगे और मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मैंने पहले से ही कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर छोड़ा हुआ है गर्म करने को। अगर आपके पास समय है तो इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने को छोड़ दें ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छे तरह से मिक्सअप हो जाएं। देखिए, ये तेल जो है सरसों का तेल अच्छे तरह से गर्म हो चुका है, आप हाथ से ऐसे करके देख लें। अब इसमें जो आपने जो अरबी का जो तैयार किया था उसको धीरे धीरे करके इसको डालकर खाऊंगे आराम से। ये कोई नहीं है ज्यादा भी, आप इसको आप 2 बार में ऐसे करके डालकर खाएंगे। इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दे, 1 मिनट के बाद इसको उलट पलट करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है और निकाल कर रख लेना। इसको आराम से तेज फ्लेम पे ही फ्राई करते रहे, इसके फ्लेम को तेज ही रहने दें और अब इसको ऐसे करके उलट पलट के अच्छे से फ्राई करें। देखिए कितना अच्छा कलर इसका आ रहा है ना, वाव। अब देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसको निकाल के और जो बचा हुआ जो है उसको भी इसी तरह फ्राई करेंगे। अब इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में, इसको ऐसे निकाल लें। वाओ, देखिए मैंने इसको अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया। अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसको खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगे। इसमें थोड़ा सा मिर्ची डाल देंगे जब ही चटकने लगे। ये मैंने वही तेल यूज किया है और इसमें सॉस उससे निकाल दिया और ये सरसों और लहसुन का जो पेस्ट था मैंने बनाया उसे कर दिया। धोकर ये पानी डाल देंगे, इसमें अब थोड़ा सा चला जाएगा धनिया पाउडर
like hindi powder ये अच्छा पाउडर है। जब ये थोड़ा सा भुज जाएगा तो इसमें जो टमाटर का मैंने बनाया था उसे डाल दे और इसको अच्छी तरह से भून लें। इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल दें और इसको अच्छी तरह से ढककर मसालों को भूज लें। देखिए इसी तरह इसको ढककर अच्छे से मसाले को चलाते हुए भूज लें और ये किसी देर में अच्छे से जब तेल छोड़ने लगे तो ये अच्छी तरह भुज जाएगा। देखिए ये मसाले से तेल छोड़ने लगा है और एक दो मिनट और भूनकर अच्छे से इसमें जो मैंने सब्जी फ्राई यानी कि अरबी जो मैंने फ्राई किया था ना उसको डाल दूंगी। देखिए इसमें मैं ये अरबी डाल रही हूँ और इसको अच्छे से इसमें मानी बहुत ही टेस्टी लगेगा। घर में बड़े अच्छे सब्जी से पसंद आएंगे। अगर आपको ये वीडियो ये रेसिपी जो है सब्जी अरबी की पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू। इसमें जो है पानी डाल दें और कुछ देर तक इसको पका लें ढककर। और ये पहले से ही चूंकि मैंने पहले से ही बॉइल कर दिया था तो ये अरबी भी आपके बहुत अच्छे तरह से पक गए हैं अंदर से। अब इसको ढककर अच्छे से दो मिनट पका लें। वाह देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है ना। अब ये बिल्कुल सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम सर्व करते हैं। यकीन मानिए ये जितना देखने में कलर जितना अच्छा लग रहा ये जितना लाजवाब लग रहा है ये खाने में उतना ही जबरदस्त लगेगा। अब इसको ऊपर से आप धनिया पत्ती से ऐसे डालकर इसको सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म सर्व कीजिए। रियली इट सीम्स रियल वेरी टेस्टी एंड यम्मी। आप इसे जरूर ट्राई करें। आपके घर में ये सभी को पसंद आएंगे। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।